अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा ज़ेब पे। तो रिसेंटली मैंने बनाया था ट्रिपल लेयर चॉकलेट फॉज केक। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैं आई बटन पे दे रही हूँ, तो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो उस केक के ऊपर लेयर से मैंने बनाया ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, केक के ऊपर वाली लेयर मैंने रिमूव की थी, तो इससे मैं आज आपको डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इस लेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने इसको 4 पीसेस में कट करके इस तरीके से शेप दे ली है, और अगर आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो अब कोई सी भी डिश ले लेंगे, इसमें हम इसको असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये केक की लेयर लगाएंगे इस तरीके से, फिर हम इसको शुगर सिरप से मॉस्ट करेंगे। जिस तरीके से मैंने केक की लेयरिंग की थी, एज इट इज़ इसकी भी लेयरिंग करेंगे। यानी सबसे पहले हमने मॉइस्ट करना है शुगर सिरप के साथ केक को, फिर उसके बाद चॉकलेट फॉरेस्टिंग जो हमने रेडी की थी केक के लिए, उससे आइसिंग करके लेयरिंग करेंगे, और स्पैचुला या नाइफ की मदद से उसको स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद दूसरी लेयर भी असेंबल करेंगे, और उसको भी पहले शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उस पर भी आइसिंग करेंगे। और इसी तरीके से हमने तमाम लेयर कंप्लीट करनी है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो बस अब लास्ट में हमने इस पर चॉकलेट गनाश, ये मैंने इसमें फिल करके रख लिया था बाकी का। तो शुगर सिरप, चॉकलेट गनाश और चॉकलेट फॉरेस्टिंग की आपको रेसिपी मेरे केक वाले रेसिपी से मिल जाएगी। और इसमें जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी मेरी केक की रेसिपी से जो लेफ्ट ओवर था उसी से मैंने की हैं। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।